आज एक्चुअली चार एमएस दिखाऊंगा, एक 21 का, एक 18 का, एक 16 का, एक 14 का। पहला सबसे बड़ी बात, ये 2021 की गाड़ी है और सिर्फ 13,000 चला हुआ है। जिसको नया गाड़ी लेने का मन है, आग बंद करके ये ले लीजिए, एज गुड एज न्यू है। ये कस्टमर ने कुछ अच्छे से रखा, मतलब बहुत ही अच्छे से रखा बोल सकते हैं, क्योंकि 12 की गाड़ी के हिसाब से इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। 100% लोन हो जाएगा, नंबर दिया हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हैं एकदम। इसके साथ और एक चीज आपको और मिलेगा भरोसा के लिए, वो है आपका 1 ईयर वारंटी फ्रॉम होंडा। इस पे भी 1 ईयर वारंटी मिलेगा पैन इंडिया। इस पे भी 100% फंडिंग कर दूंगा। इसमें तो मैं आपको होंडा की वारंटी के साथ देने वाला हूँ, होंडा की वारंटी के साथ जो पैन इंडिया अवेलेबल है। ऑफ प्राइस में मिल जाएगा 21 की गाड़ी, बाकी इस पे 90% तक फंडिंग भी हो जाएगी पैन इंडिया। इनका फैमिली छोटा है, पार्किंग का थोड़ा टाइट स्पेस है उनके लिए, माइलेज अच्छा देता है, या ऊपर से ये डीजल है, डीजल गाड़ी आजकल मिलता ही नहीं है, और इस पे भी फाइनेंस हो जाएगा 90%। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, हम लोग के साथ सर जुड़ चुके हैं, तो सर सबसे पहले तो बताइए कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? ठीक है, और आशा करते हैं व्यूअर्स भी अच्छे होंगे एकदम। अभी व्यूअर्स बहुत अच्छे हो, अभी बारिश का मौसम है तो ड्राइव जरूर एंजॉय कीजिए, उसके साथ थोड़ा लॉन्ग ड्राइव, उसके साथ थोड़ा चाय, और लॉन्ग ड्राइव होना है तो गाड़ी तो जरूरी है, मस्ट है, मस्ट है। तो आज भी मैं कुछ अच्छा गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो आपके व्यूअर्स को शायद अच्छा लगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, 15 अगस्त आने वाली है, तो कुछ स्पेशल ऑफर्स या पैन इंडिया लोन या जीरो डाउन पेमेंट ऐसा कुछ होने वाला है? पहला बात, जीरो डाउन पेमेंट जरूर होगा, पैन इंडिया फाइनेंस हम लोग को हमेशा होता है। ओके, गाड़ी में ऐसा दूंगा जिसमें 100% फाइनेंस हो, और हम लोग का सबसे वो 15 अगस्त हो या कोई भी दिन हो, हम लोग का बेसिक मोटो ही है कि अच्छा गाड़ी कस्टमर को प्रोवाइड करना, यही एमिनेंट कार्स का मोटो है, हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं। तो आज भी अच्छी गाड़ी दिखाऊंगा, जिस व्यूअर्स को जो बजट में जो गाड़ी अच्छा लगता है, आप आओ देखो, टेस्ट ड्राइव लो, अगर आपके दोस्तों को या मैकेनिक को दिखाना है, हम लोग हमेशा बोलते हैं आप दिखा लो, वंस यू आर सैटिस्फाइड उसके बाद आप गाड़ी फाइनल करो। बिल्कुल, एंड ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में सर बोल रहे थे, अभी आप लोग गूगल रेटिंग्स में जाके भी चेक कर सकते हो, जेन्युइनली जो जेन्युइन कस्टमर्स है सारा अच्छा रेटिंग, बहुत ही अच्छा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है एकदम। मगर मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, आपके व्यूअर्स जो हमसे गाड़ी लिए, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। एग्जैक्टली, एक बार लोकेशन बता दीजिए। ये है सॉल्ट लेक सेक्टर 2 7 नंबर टैंक नियर बोईशाकी, एकदम मेन रोड के सामने ही है, 7 नंबर टैंक एच ब्लॉक, या आप गूगल में एमिनेंट कार डालने से आ जाएगा, या नंबर दिया हुआ है, आप हम लोगों को कॉल कर लीजिएगा, हम लोग लोकेशन शेयर कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, फेसबुक में तो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब में आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, फेसबुक पेज भी है एमिनेंट कार्स का, वहाँ पर भी जाके आप लोग स्टॉक चेक कर सकते हो। नया नया गाड़ी का जो हम लोग का वीडियो हर वक्त तो बनाना पॉसिबल होता नहीं है, उसमें सारे गाड़ी लिस्टेड रहते हैं। अगर आप फॉलो करके रखेंगे एमिनेंट कार्स को फेसबुक में इंस्टाग्राम में, तो आपको जो भी गाड़ी अच्छा लगेगा वी डिटेल्स पिक्चर्स दिया रहता है, आप हमको डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे वीडियो को, देख लेंगे कौन कौन सी गाड़ी है। आ जाएंगे हम लोग की पहली गाड़ी की तरफ दोस्तों, पहली गाड़ी होने वाली एक डिमांडेबल गाड़ी, एंड वो भी होंडा अमेज न्यू शेप में, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी जिसमें बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है। इनफैक्ट अभी मैं कुछ देर पहले ही बोल रहा था, अगर सनरूफ दे देता तो होंडा सिटी का सेल्स कम हो जाता। ऐसा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इसीलिए ये भी बहुत बिकता है आज के डेट पे भी। होंडा के पास फ्यू प्रोडक्ट्स ही है, बेस्ट है तो भी अच्छे बिक रहे हैं, अच्छे सेलिंग है, वैल्यू फॉर मनी है, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, रिलायबल है। और मेन चीज मेरे को तो, मेरे लिए बेस्ट है इसका इंजन आज भी। ऑब्वियसली पहले और पेपी इंजन आते थे, अभी उतने पेपी नहीं रहा क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इतना हाई हो गया है कि अगर उतना पेपी इंजन देने जाएंगे तो माइलेज नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, इस गाड़ी पे आते हैं, पहला सबसे बड़ी बात, ये 2021 की गाड़ी है और सिर्फ 13,000 चला हुआ है। 21 की गाड़ी 13,000 चला हुआ, स्टेपनी अभी तक जमीन में नहीं गिरी है। 100% आप पूछ रहे थे, 100% लोन हो जाएगा, नंबर दिया हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हैं, ये हम लोग आपको सर्विस हिस्ट्री दे देंगे। काफी अच्छी है, आप लोगों को 100% जीरो डाउन मॉडल में गाड़ी मिल जाएगी, सुपर कंडीशन की गाड़ी है। कौन सी ईयर की बताइए? 2021 की है, टॉप मॉडल है, VX वेरिएंट है, सारे फीचर्स के साथ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRL, सामने का लुक तो कमाल का लग रहा है देखने में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, साथ में डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी मिल जाती है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, बाकी सारा फीचर्स, एयरबैग्स वगैरह, क्रूज कंट्रोल, सारे फीचर्स जो आप बोल सकते हैं सब है, सनरूफ छोड़कर सारे फीचर्स है कि सनरूफ हमें देता नहीं। बिल्कुल, एंड बहुत ज्यादा प्रीमियम है, क्लासी है, देखने में भी अच्छा लगता है गाड़ी। जिसको नया गाड़ी लेने का मन है, आग बंद करके ये ले लीजिए, एज गुड एज न्यू है।
साढ़े ग्यारह लाख का ऑन रोड आता है नया। अच्छा, आज हम लोग इस वीडियो पे आपकी वीडियो पे देने वाले ओनली 675,000, मतलब ऑलमोस्ट 50% हाफ प्राइस में मिल जाएगा इसकी गाड़ी, एज गुड एज न्यू, क्योंकि सिर्फ 13,000 चला है, स्टेपनी अनयूज्ड है। जब तक गाड़ी वीडियो में तो आप दिखाएंगे, सामने आके नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा क्वालिटी कैसा। एग्जैक्टली, तो जरूर आइए, जरूर चेकआउट कीजिए, काफी अच्छी गाड़ी होने वाली है। एंड बेस्ट पार्ट है, बहुत ही अच्छा लुक्स है, एकदम न्यू शेप में गाड़ी है। एंड होंडा की तरफ से रिलायबल इंजन है, जापानीज ब्रांड है, बहुत ही स्मूथ इंजन आप लोगों को मिल जाएगी। और एक होंडा अमेज होने वाली है एकदम, आज काफी सारे होंडा अमेज, अच्छा बहुत सारी होने वाली है, सब देखेंगे आप लोगों को, सब दिखाएंगे। आप लोग स्टे ट्यून कीजिए, वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों। हम लोग आ जाएंगे हम लोग की अगली होंडा अमेज की तरफ, आप लोग देखिए बहुत ही कमाल की गाड़ी है, फिर से न्यू शेप में, एकदम न्यू शेप में है, 2018 की गाड़ी है, 2028 तक टैक्स पे किया हुआ, 28 सितंबर तक। ओके, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसमें तो मैं आपको होंडा की वारंटी के साथ देने वाला हूँ, होंडा की वारंटी के साथ जो पैन इंडिया अवेलेबल है। आप कोई भी होंडा के शोरूम में जाएंगे आपको वारंटी कवर्ड रहेगा, वारंटी में इंजन ट्रांसमिशन कवर्ड रहता है, फ्री सर्विस मिल जाता है, अच्छा एक साल का वैलिडिटी होता है जो कस्टमर को मिलेगा वारंटी बुकलेट के साथ। अच्छा की गाड़ी, 28 टैक्स, 54,000 चला हुआ विथ रिकॉर्ड नंबर दिखा हुआ है, या हम लोग रिकॉर्ड दे देंगे। okay. इस पे भी 90% तक हम लोग फाइनेंस कर देंगे, 90% तक फंडिंग हो जाएगी एक साल की होंडा की तरफ से, इमिनेंट कार की तरफ से नहीं, हम लोग की तरफ, होंडा की तरफ से आप लोगों को वारंटी मिल जाएगी। एंड पैन इंडिया कहीं पर भी लेके जाइए, टेंशन फ्री होकर आप लोग लेके जा सकते हो, आप कोई भी गाड़ी टेंशन फ्री ले सकते हो, जिसमें वारंटी है हम लोग वारंटी दे, वारंटी नहीं है। बाकी इस पे 90% तक फंडिंग भी हो जाएगी पैन इंडिया, तो काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। 54,000 कौन सी वेरिएंट में ये आपका VMT वेरिएंट, VMT इसमें सारे फीचर्स मिलेगा, सिर्फ एक ही चीज नहीं होता, क्रूज कंट्रोल, बाकी एयरबैग, पुश स्टार्ट बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, फॉग लैंप, डीआरएल, सब कुछ मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स भी है, स्मार्ट कीलेस एंट्री जो बोलेंगे सब है, बिल्कुल। एंड माइलेज भी काफी अच्छी है, माइलेज अमेज एक्चुअली बहुत अच्छा देता है, 14-15 सिटी में देता है, हाईवे में अराउंड 18-20 देता है, दैट डिपेंड ऑन ड्राइविंग, और माइलेज शो भी करता है गाड़ी पे, आप देख भी पाएंगे क्या गाड़ी माइलेज दे रहा है। बिल्कुल, प्राइसिंग में आ जाएंगे इस गाड़ी, प्राइस होने वाला है सिर्फ 4,45,000, मतलब डिस्काउंट देखिए काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 28 तक टैक्स पेड मिल रहा है, 18 की गाड़ी है, जरूर चेक कीजिएगा विद वारंटी, ऑब्वियसली कंडीशन लेके आपको एकदम सोचना नहीं है, आप आओ गाड़ी देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो चलाने के बाद कि आपको कौन सा लेना है। एंड ऑप्शंस काफी अच्छा अच्छा मिलता है, सारा ही A to Z मतलब फिनिश्ड गाड़ी आप लोगों को मिलती है, आके एकदम टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट आप लोग लेके जा सकते हैं। चलेंगे हम लोग अगली गाड़ी की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो दो दो अमेज देख चुके हैं न्यू शेप में, होंडा सिटी कैसे पीछे रह जाए, सिटी हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि एमिनेंट कार्स में सिटी ना हो, एग्जैक्ट सिटी हमेशा रखते हैं, इवन की सिविक भी आज के डेट पे हम लोग हमेशा रखते हैं, पर यही है कि सिविक वैसा क्वालिटी का रखता है हम लोग, जैसे 20,000-25,000 चला हो, मिला नहीं, जब मिल जाएगा दोबारा रखें, ऑब्वियसली। आ जाएंगे इस पर्टिकुलर गाड़ी के डिटेल्स में, सबसे पहले तो न्यू शेप में है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, एंड होंडा सिटी है मतलब एक भरोसा, रिलायबिलिटी उसके साथ साथ प्रीमियमनेस सब इसके साथ, और एक चीज आपको और मिलेगा भरोसा के लिए, वो है आपका 1 year वारंटी फ्रॉम होंडा, इस पे भी 1 year वारंटी मिलेगा पैन इंडिया। ओके, इस पे भी 100% फंडिंग कर दूंगा अगर कस्टमर को चाहिए, बस प्रोफाइल सही होना चाहिए कस्टमर का, ऑब्वियसली सिटी देख के लग सकता है कि ये कौन सा वेरिएंट है, ये VX नहीं है, ZX है, ZX टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन, ZX 6 एयरबैग्स, वेंटिलेटेड सीट, एक्चुअली ZX बिका ही कम था क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा था, लोग VX ले लेते थे, पर ये एकदम करेक्ट है, 6 एयरबैग्स के साथ आता है, LED हेडलाइट्स के साथ आता है, पीछे के लाइट भी आपका BMW स्टाइल में LED आता है, कंपनी फिटेड आपका बैक स्पॉइलर होगा, और जो इंटीरियर प्लास्टिक्स जो है वो सारे सॉफ्ट टच होते हैं, अच्छा सॉफ्ट, इवन की लाइट्स भी अलग होते हैं, जो इंटीरियर लाइट्स होते हैं वो भी आपके अलग होते हैं, बाकी एयरबैग्स वगैरह मतलब सारा फीचर्स है, 6 एयरबैग्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC, पुश स्टार्ट बटन, स्मार्ट कीलेस एंट्री, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो वो फीचर्स बोलेंगे, रियर AC वेंट्स, सब कुछ मिलेगा। ओके, और वैसे ये कौन सी ईयर की है, ये 2019 की गाड़ी है, okay. तो लोगों को लग सकता है कि 24 में टैक्स है, नो ये 29 तक टैक्स पे किया हुआ है, 5 years टेंशन फ्री, एकदम टैक्स कैप का अराउंड 75,000, एग्जैक्टली, तो टैक्स का कोई झंझट नहीं, 19 की गाड़ी 29 टैक्स के साथ, टॉप मॉडल ZX, फाइनेंस तो मैंने आपको बोला है, ये पैन इंडिया हो जाएगा, 90-100% आपको जितना लेना है, बिल्कुल। आ जाएंगे इस गाड़ी के प्राइसिंग में, प्राइस भी आप पहले ही बोले थे वीडियो में नगर्स के लिए कुछ करने के लिए, प्राइस होने वाला है सिर्फ 6,99,000 VX के प्राइस में, ZX VX के प्राइस में, ZX विद वारंटी, विद वारंटी उसके ऊपर से, मतलब जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफी अच्छा डील होने वाला है, कलर अमेजिंग है, गाड़ी का जो कंडीशन है वो भी टॉप नॉच, इसको होंडा एक्चुअली गोल्डन ब्राउन बोलते हैं, बहुत लोग मोका ब्राउन बोलते हैं, होंडा इसको गोल्डन ब्राउन कलर बोलते हैं, काफी अच्छा है, जरूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। वैसे कितना किलोमीटर डिपेंड होता है, ये चला आपका 66 या 67,000, ओके, तो ऑब्वियसली अच्छा डील होने वाला है, जरूर चेकआउट कीजिएगा।
हम लोग चलेंगे विद रिकॉर्ड दे दूंगा कस्टमर को या खुद चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारा गाड़ी रिकॉर्ड के साथ आप लोगों को मिल जाएगी, चेकआउट कीजिएगा। चलेंगे अगली गाड़ी की तरफ, आ जाएंगे अगली गाड़ी की तरफ, फिर से कमीज होने वाली है। पुराना शेप में है पर अगेन इंजन सेम मिलता है, ऑलमोस्ट सेम मिलता है, रिलायबिलिटी तो है। आज एक्चुअली चार अमेज दिखाऊंगा, एक 21 का, एक 18 का, एक 16 का, एक 14 का। अच्छा, टॉप भी रहेगा, बीच वाला। अभी तक मैंने VX दिखाया, V दिखाया, ये आपका SX वेरिएंट है। SX वेरिएंट है, होंडा अमेज है, 2016 की गाड़ी है। अच्छा, 2026 तक टैक्स पे किया हुआ, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इस पे भी पैन इंडिया फाइनेंस होगा 90% तक, पैन इंडिया लोन हो जाएगा 90% तक। 2016 की गाड़ी है, 26 तक टैक्स है, SMT वेरिएंट में है, एंड अगेन ये भी मोका ब्राउन कलर में ही मिलती है, एकदम काफी अच्छा गाड़ी इसमें है। इसमें भी सारे फीचर्स जैसे AC, पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कंट्रोल, कीलेस एंट्री, म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो, सब कुछ आ जाएगा। वाओ, काफी अच्छा है। वैसे कितना किलोमीटर ड्रिवन है ये गाड़ी? ये अराउंड 58-60 के आसपास चला, 58-60 माइलेज भी मेन चीज है, माइलेज बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, पांच जन आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस इसलिए बोलता ज्यादा है कि छोटे गाड़ी में क्या होता है, शोल्डर्स टकरा जाते हैं, तो इसकी शोल्डर स्पेस बहुत ज्यादा है, पांच जन मतलब 5 एडल्ट्स कैन सीट आराम से कंफर्टेबली। माइलेज दूसरी बात बहुत अच्छा है, शो भी करता है गाड़ी आराम से, 14-15 सिटी में दे देता है AC चला के, हाईवे में 18-20-22, दैट डिपेंड ऑन ड्राइविंग कौन कैसे चला। तो आ जाएंगे इस गाड़ी के प्राइसिंग में, प्राइस होने वाला सिर्फ 3,10,000 में आप लोगों को मिल जाएगी। हम लोग चलेंगे अगली गाड़ी की तरफ, अब आ जाएंगे और एक प्रीमियम सेगमेंट हैचबैक में। मेरे सामने है जैज, काफी डिमांडेबल गाड़ी है, स्पेशियस गाड़ी है, एंड फीचर्स तो सभी मिल जाता है एकदम। मैं एक्चुअली जैज भी हमेशा रखता हूँ, मगर जैज भी सिविक की तरह है, बहुत रेयर रहता है, मतलब अच्छा आता है तभी अच्छा आता है राइट। ये भी जैसे बहुत अच्छा कंडीशन है, मतलब नंबर प्लेट अगर हटा दूं, मतलब क्या होता है कि जिसका भी कस्टमर का था, देखिए सभी गाड़ी अच्छे से रखता है, डिपेंड कौन कैसे रखते हैं, ये कस्टमर ने कुछ अच्छे से रखा, मतलब बहुत ही अच्छे से रखा बोल सकते हैं, क्योंकि 12 की गाड़ी के हिसाब से इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, कंपनी से फुल सर्विस है, 54,000 चला हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, टॉप मॉडल है, बोल के सारे फीचर्स मिल जाएंगे नॉर्मल, जैसे AC, एयर बैग, स्टीयरिंग कंट्रोल, ऑटो एडजस्टेबल मिरर्स आपका। इसके अलावा गाड़ी सबसे स्पेशियस बोला जाता है जैज हैचबैक में, बूथ स्पेस अच्छा है आपका, इनसाइड स्पेस अच्छा है, लेग स्पेस आपका बहुत अच्छा है, और टैक्स भी आपका 27 अक्टूबर तक दिया हुआ है, ऊपर से फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर ऐसे प्राइस डिफर करता है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, एक्सीलेंट कंडीशन, बाकी आप आके खुद आके देखो चलाओ फिर डिसाइड करो। आ जाएंगे फटाफट इस गाड़ी के प्राइसिंग में, प्राइस होने वाला सिर्फ 2,25,000 में आप लोगों को 12 की जैज मिल जाएगी। जेन्युइनली बता रहा हूँ, सामने खड़ा होकर बता रहा हूँ, मिंट कंडीशन में, तो भी आप यूज करके घुमा के दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है, अगर एक होंडा जैज चाहिए तो आप लोग आइए चेकआउट कीजिए। हम लोग चलेंगे अगली गाड़ी की तरफ, तो आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ, इस बार होने वाली एक छोटी सी हैचबैक, पर अगेन डिमांडेबल बहुत ज्यादा है, लुक्स भी काफी अच्छा आता है, क्विड है मेरे साथ, ग्राउंड क्लीयरेंस भी बहुत अच्छा, ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफी अच्छा, एस्प्रेसो का जैसे ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत अच्छा है, बिल्कुल इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत अच्छा है। अगर आप एक वीडियो देखेंगे, एक आदमी है इंडियन, वो क्विड लेके लंदन तक गया है, अगर गाड़ी में कैपेबिलिटी नहीं होता तो इंडिया से लंदन नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात, इनका फैमिली छोटा है, पार्किंग का थोड़ा टाइट स्पेस है उनके लिए, एक्सीलेंट गाड़ी है, माइलेज अच्छा देता है, या जिनको डेली ड्रिवन के लिए एक छोटा गाड़ी चाहिए उनके लिए भी ये बेस्ट गाड़ी, बट इजी टू ड्राइव भी है बहुत ज्यादा, माइलेज अच्छा है, इजी टू ड्राइव है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है, ऑब्वियसली 11,700 चला है, 11,700 ओनली, 11,700 स्टेपनी अनयूज्ड, इस पे भी 100% फंडिंग हो जाएगा, काफी अच्छा है। कौन सी ईयर की है ये? आपकी 2019 की है। ओके, तो मैं पहले व्यूअर्स को बता देता हूँ कि 24 नहीं है, 29 तक टैक्स पे किया, 29 तक टैक्स पेड मिल जाते हैं आप लोगों को, 5 इयर्स के लिए आप लोग टेंशन फ्री होकर चला सकते हो। कौन से वेरिएंट में वैसे? ये आपका है पेट्रोल RXL वेरिएंट। ओके, ये आपका मिड वेरिएंट है, सारा फीचर्स है इसमें, सारे फीचर्स ऑलमोस्ट, जैसे बैक कैमरा, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, एसी, पावर स्टीयरिंग, जो नेसेसिटी होता है सब कुछ आप लोगों को। आपका सीट का जो है, जो सीट कवर लगा है वो भी कस्टमाइज सीट कवर लगा हुआ है, नापा लेदर का, बॉडी कलर के साथ मैच करके, काफी मतलब कुछ नहीं करना कस्टमर को, जस्ट आपको फ्यूल अप करना, चलाना टाइम से, जरूर सर्विस, काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। 11,500 किलोमीटर, 100% फंडिंग चाहिए तो 100%, 90% चाहिए तो 90%। प्राइसिंग कितना होने वाला? प्राइस उन्होंने सिर्फ 2,99,000 में 19 की 29 तक टैक्स पेड क्विड मिल जाएगी आप लोगों को, बहुत ही फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है। आप लोग आइए चेकआउट कीजिए, ड्राइव कीजिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा एकदम ही शोरूम कंडीशन, मतलब एकदम लो ड्रिवन है तो शोरूम कंडीशन एकदम एकदम। अगर किसी को अच्छा गाड़ी चाहिए, पीस ऑफ, देखिए सारे गाड़ी अच्छे, आप पसंद के ऊपर है, किसी को सेडान चाहिए, किसी को हैचबैक, और बजट के ऊपर भी, बजट के ऊपर भी है डेफिनेटली, तो जिनको लेना है ये परफेक्ट डील है, जिसके पास भी जाएगा वो
सेटिस्फाई नहीं रहेगा अभी तक। जैसे हम लोग आपके आपके ब्लॉग से भी ऐसा कस्टमर है जो गाड़ी लिया है, उनको अच्छा मिला है, वो अपने फ्रेंड को लेके आए, अच्छा। उन्होंने गाड़ी लिया है, उसके बाद फिर दो महीना बाद वो अपने फ्रेंड को लेके आए, तो यही चीज है ये एग्जैक्टली। तो मैं अच्छा चीज कस्टमर्स को देता हूँ, इसलिए मैं जरूर आपकी वीडियो में बोलता हूँ कि जो लिए है प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने मेहनत कर रही है, आपको कैसा लगा सर्विस, बिल्कुल जरूर बताइएगा। हम लोग आ जाएंगे अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी होने वाली है फिर से एक डिमांडेबल गाड़ी दोस्तों, वरना है मेरे सामने, और इसको आप लोग बोल सकते हो एक मरून रेड कलर में मिल रहा है, राइट। ये कंपनी का ही कलर था मरून रेड, ये आपका वरना का सेकंड जनरेशन में आया, सेकंड जनरेशन, क्योंकि उसमें अलॉय का डिजाइन अलग है, तब डायमंड कट अलॉय आता, लुक ऊपर से ये डीजल है, डीजल गाड़ी आजकल मिलता ही नहीं है, जब मिलता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, अगर अच्छा सुपर माइलेज इतना 17-18 तो इजीली मिल जाएगा सिटी का, आराम से इसी चला के 17-18 मिलेगा, और हाईवे में 20+ दैट डिपेंड ऑन ड्राइविंग, बिल्कुल काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। कौन सी फर्स्ट सोलर गाड़ी है पहले बता देता हूँ, अच्छा 14 की गाड़ी है 29 टैक्स के साथ, ओके 14 की गाड़ी है 29 तक टैक्स स्पीड मिल जाती है, फर्स्ट ओनर, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सारा फीचर्स आप लोगों को मिल जाती है, A6 प्लस है कि ऑप्शन है, A6 है, तो A6 में सारा फीचर्स, इनफैक्ट आप लोगों को डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाती है, और व्हील कंट्रोल्स वगैरह मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ है, एकदम सब जरूर चेकआउट कीजिएगा इस गाड़ी को। सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दिया, ये 14 की गाड़ी 24 टैक्स के साथ है, 24 टैक्स है, क्योंकि ये 29 हो सकता है, हाँ 29 हो सकता है अगर कस्टमर चाहे, क्योंकि ये गाड़ी उन लोगों के लिए सबसे बेटर होने वाला है जो लोग बाहर से देख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको चाहिए सामने टैक्स वाला गाड़ी, क्योंकि उनके लिए वो सस्ता पड़ता है, तो अगर किसी को टैक्स भरना है तो टैक्स अमाउंट देके हम लोग टैक्स काट देंगे। 14 की गाड़ी 24 अगस्त के एंड तक टैक्स पे किया हुआ है, अच्छा प्राइस होने वाला है 3,25,000, काफी अच्छा है दोस्तों 3,25,000, अगर आप लोग बाहर से देख रहे हो, स्पेशली वेस्ट बंगाल के बाहर से देख रहे हो, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आप लोग लेके जाओ अपने सीट में, टैक्स भरो, इन गाड़ी को बहुत आराम से ड्राइव करो, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगेगा, इनफैक्ट अगर ये गाड़ी एक महीना बाद आप लोग लेते हो तो ऑलमोस्ट 60-65,000 और एक्स्ट्रा गिर जाएगा, नहीं तब लेना मतलब नहीं, मतलब वेस्ट बंगाल के कस्टमर्स के लिए परफेक्ट बेस्ट होने वाला है, एग्जैक्टली। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा इस गाड़ी को, हम लोग चलेंगे अगली गाड़ी, फाइनली आ जाएंगे हम लोग लास्ट गाड़ी में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारी गाड़ी पाइपलाइंस में है, एक दो गाड़ी के बारे में आपके ऑफिस से जरूर आ जाएंगे इस गाड़ी के डिटेल्स में। ये भी होंडा अमेज है, एक्सीलेंट कंडीशन में बोलना चाहूंगा, पहले बहुत कलर तो मेरे को बहुत पसंद है, आप कलर क्या है किसी को हाँ किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा, मगर ये बहुत ब्राइट कलर है, एज जैसे रेड कलर होते हैं वैसे ही बहुत आई कैची कलर है। 14 की गाड़ी है ये 29 टैक्स के साथ है, अच्छा फर्स्ट ओनर गाड़ी है, टॉप मॉडल है, VX है, इसमें आपके फॉग लैम्प, अलॉय व्हील्स, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स, एयर बैग, स्टीयरिंग कंट्रोल, पावर विंडो सब कुछ मिल जाएगा, और फुल अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और टॉप मॉडल क्या मिलता कम था क्योंकि प्राइजेस में SMT और VX में काफी डिफरेंस था, इसलिए लोग SMT ले लेते थे, इसलिए टॉप मॉडल मिलने पर हम लोग नॉर्मली छोड़ते नहीं है, मगर गाड़ी एज गुड एज, बहुत ही कंडीशन अच्छा है, टायर्स आपके चारों ब्रांड न्यू लगा हुआ, सीट कवर भी एकदम ब्रांड न्यू है, सीट कवर एकदम ब्रांड न्यू नहीं बोलूंगा मगर एज गुड एज न्यू है, और इस पे भी फाइनेंस हो जाएगा 90%। ओके, और कितना किलोमीटर ड्रिवन है ये वैसे? ये आपका अराउंड 56-58 चला है, 56-58,000 किलोमीटर ड्रिवन है। प्राइसिंग कितना होने वाला है? प्राइस होने वाला है सिर्फ 2,99,000। 14 की गाड़ी 29 टैक्स के साथ, टॉप मॉडल VX मिलेगा, इस पे भी 90% तक लोन हो जाएगा अगर किसी कस्टमर को लोन चाहिए, काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। 5 ईयर्स के लिए लोग टेंशन फ्री होकर गाड़ी को ले सकते हो, VX है, टॉप मॉडल गाड़ी है, होंडा अमेज है 11 इंजन के साथ, अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और भी कुछ गाड़ी के बारे में बोल रहे थे, मैं बता देता हूँ, दो तीन गाड़ी आने वाला है, मैं फिलहाल दो बता देता हूँ। ओके, किसी को अगर कम बजट में गाड़ी चाहिए तो एक डिजायर आने वाला है, 2010 की गाड़ी है, सिर्फ 40,000 चला हुआ है, मैं उनको भी रिकॉर्ड दे दूंगा लाइफ टाइम टैक्स के साथ, अच्छा। और इसके अलावा एक सिटी आने वाला है 15 का, 25 टैक्स के साथ, कम प्राइस में, अराउंड पकड़ लीजिए 370-375 के प्राइस में आएगा, होंडा सिटी 2015 का मरून कलर विथ 1 ईयर वारंटी, उसमें भी मिलेगा होंडा की तरफ से पैन इंडिया, काफी अच्छा, तो अच्छा अच्छा डील भी आने वाला है, अगर ये सब गाड़ी पसंद आता है तो अमेज भी रहेगा, तो अगर आज ऑलरेडी चार दिखा दिया तो आज और अमेज नहीं बोलने वाला, बिल्कुल हमेशा अमेज और होंडा सिटी तो रहता है। बाकी अगर कोई भी डिटेल्स जानना है गाड़ी के बारे में, नंबर पूरे टाइम वीडियो में चल रही थी, आप लोग कॉल कर सकते हो, पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा, लोकेशन में कोई दिक्कत है तो तब भी आप लोग कॉल कर सकते हो, आप गूगल में भी डालने से मिल जाएगा, या कॉल करके जरूर हम लोग लोकेशन शेयर करते हैं, बिल्कुल। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, कुछ बोलना चाहिएगा एकदम कि आप इतना मेहनत से वीडियो बनाते हो, तो व्यूअर्स आप सबको बताऊंगा कि अगर उनका वीडियो अच्छा लगे
काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हम लोग का गाड़ी अच्छा लगा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा और कैसे हम लोग इम्प्रूव और कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आता है गाड़ी के बारे में फटाफट कॉल कर लीजिए, बुकिंग के लिए भी आप लोग कॉल कर सकते हो। मगर मैं हम एक बार और बोलना चाहूंगा कि आपको अगर गाड़ी लेना है मैं बोलूंगा आप गाड़ी फिजिकली देख के फिर डन करो, कि एक गाड़ी को हमेशा किसी से भी लो फिजिकली देख लो। मगर अगर कोई कस्टमर आ नहीं सक रहा है, काफी दूर में रहता है, उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं, फिर आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे वीडियो को देखिए फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।